नमस्कार। हम देखते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। जब करंट सेट की हुई लिमिट के ऊपर या नीचे चला जाता है तो सर्किट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर का ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी यूज किया जाता है। इंडिया के दो मेन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स के लिए सर्किट ब्रेकर होते हैं। सर्किट ब्रेकर की तरह ही शेयर्स के लिए प्राइस बैंड्स होते हैं। सर्किट ब्रेकर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी प्राइस मूवमेंट को स्पेसिफिक लिमिट में रखने का काम करते हैं। अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग प्राइस बैंड्स होते हैं। स्टॉक्स के लिए 2%, 5%, 10% या 20% का प्राइस बैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवेन्यू सुपरमार्ट्स की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस यानी कल की या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस 1135.35 थी और अवेन्यू सुपरमार्ट्स की प्राइस बैंड की लोअर लिमिट आज 908.20 है और अपर लिमिट 1362.30 है। सर्किट लिमिट्स प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस पर बेस्ड होती है। अवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए 20% प्राइस बैंड है, इसलिए अवेन्यू सुपरमार्ट्स की लोअर लिमिट उसके प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से 20% नीचे है और अवेन्यू सुपरमार्ट्स के प्राइस बैंड की अपर लिमिट उसके प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से 20% ऊपर है। तो आज अगर अवेन्यू सुपरमार्ट्स की प्राइस 908.20 को यानी उसके प्राइस बैंड के लोअर लिमिट को हिट करती है या 1362.30 को यानी उसके प्राइस बैंड की अपर लिमिट को हिट करती है तो अवेन्यू सुपरमार्ट्स की ट्रेडिंग उस दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। किसी स्टॉक का जो प्राइस बैंड है उसी की रेंज में उस दिन उस स्टॉक की प्राइस मूव हो सकती है। जिन स्टॉक्स के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उनके लिए प्राइस बैंड नहीं होता है। वही निफ्टी और सेंसेक्स के लिए सर्किट ब्रेकर की 3 स्टेजेस होती है, 10%, 15% और 20%। तो लेट सी कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि अगर दोपहर 1 बजे से पहले सेंसेक्स या निफ्टी अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग वैल्यू से 10% ऊपर या नीचे जाते हैं तो स्टॉक मार्केट 45 मिनट्स के लिए बंद हो जाएगा। 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स का प्री ओपनिंग सेशन रहेगा और उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 बजे सेंसेक्स या निफ्टी की वैल्यू प्रीवियस डे की क्लोजिंग वैल्यू से 10% ऊपर या नीचे जाती है तो स्टॉक मार्केट 45 मिनट्स के लिए यानी 12 से 12:45 तक बंद रहेगा। उसके बाद 12:45 से 1 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन रहेगा और फिर 1 बजे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा। सिमिलरली, अगर निफ्टी या सेंसेक्स 1 बजे या 1 बजे से 2:30 बजे के बीच प्रीवियस डे की क्लोजिंग वैल्यू से 10% ऊपर या नीचे चला जाता है तो स्टॉक मार्केट 15 मिनट के लिए बंद रहेगा। उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन रहेगा और फिर नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा। इस तरह टेबल में दिए हुए शेड्यूल के अनुसार निफ्टी और सेंसेक्स के सर्किट ब्रेकर्स काम करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स के सर्किट ब्रेकर्स के रूल सेबी बनाती है, जो कि मार्केट रेगुलेटर है। वही स्टॉक्स के प्राइस बैंड से जुड़े रूल्स स्टॉक एक्सचेंजेस बनाते हैं। स्टॉक्स के प्राइस बैंड्स की लिमिट उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करके रिवाइज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस बैंड 10% है और वो स्टॉक लगातार अपर या लोअर सर्किट हिट कर रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक की प्राइस बैंड 10% से 5% कर सकते हैं। प्राइस बैंड कम करने के या बढ़ाने के डिसीजंस स्टॉक एक्सचेंज के सर्वेलेंस डिपार्टमेंट ने डिसाइड किए हुए क्राइटेरिया के अनुसार होते हैं। अगर आप कैश मार्केट में किसी स्टॉक में इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो और आपने शेयर सेल तो किए हैं लेकिन आप उन शेयर्स को बाय करो इससे पहले अगर उस स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है तो उस स्टॉक की ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद हो जाएगी और आप डिफॉल्टर बन जाओगे और आपकी शॉर्ट पोजीशन ऑक्शन मार्केट में सेटल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।